आई एम सामा एंड जैसे कि हम सब जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मम्मी हमारी स्पेशल स्पेशल डिशेज बनाती रहती है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भी क्यों ना स्पेशल डिश बनाऊँ मम्मी के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने मैक्रोनी बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं मैक्रोनी का थोड़ा सा टेस्ट करूँ। तो ये रही मैक्रोनी बची हुई, ये थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, ये कैप्सिकम फाइनली चॉप, ये ऑनियन, कैरेट, दिस इज कॉर्नफ्लावर, और इसी मैक्रोनी को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड करके ये पेस्ट बना लिया है, ये ब्रेड क्रम्स, ये ऑयल, ये स्पाइसेस, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, रेड चिली पाउडर एंड दिस जीरा पाउडर। Now we will mix all the ingredients in a big bowl. First of all, we will take this coriander leaves, this paste of macaroni, onion, capsicum, carrot, and now we will mix it. Now we will put the spices in it. Now this corn flour. Now we will mix it well. जैसे कि आप लोग देख सकते हो बस हमारा बैटर तैयार होने वाला है। ये मैंने हर्ट शेप का डिज़ाइन लिया है ताकि हमारा जो कटलेट हो वो हर्ट शेप ना है। ये एक मैंने निकाल लिया, ये दूसरा मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं यहाँ रख रही हूँ और इसको अब मैं ब्रेड क्रम्स से पूरा, तो ये हो चुका है, मैं एक बार साइड में रखती हूँ इसको और ऐसे ही ये पीसेस तैयार कर लिए। अब हमें गैस पे एक पैन रखना है और इसमें थोड़ा इस तरह से हमने एक पैन रखना है इस पर थोड़ा सा, और जो हमने पीसेस तैयार किए थे इसको आप थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी पैन और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम अपने पीसेस को इसके अंदर डालेंगे फ्राई के लिए। इस तरह से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। अब चलो इसको हम सर्व करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन के लिए ये कैरेट्स को सर्कल में डालेंगे इसमें। ऐसे हमने सर्कल्स बना लिए, अब इसके ऊपर हम अपने कटलेट्स रखेंगे। इस साइड पर अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयोनीज भी डालेंगे। ये हमारी डिश सर्व के लिए तैयार हो चुकी है। ये अब मैं अपनी मम्मी को देने जा रही हूँ। थैंक यू।